जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस स्टॉक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वजह है कि इसका शेयर प्राइस एक ऐसे जगह पर आकर घूम रहा है जहाँ पे यदि कोशिश होकर काम किया जाए तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। चलिए ओवरऑल सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगा तकरीबन 1.5% के आसपास, लेकिन इस गिरावट से घबराना नहीं है। हम किसी स्टॉक को एक दिन की गिरावट या उसमें तेज़ी की बदौलत नहीं आ सकते। हम जब किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर पेनी स्टॉक में, तो हमारा मोटिव होता है कम से कम प्रॉफिट बने रहने तक इंतजार करने के लिए, और कम से कम हमारा मोटिव कम से कम 5-6 मंथ तक का होता ही है। इसलिए चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। यदि इसके काम को समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इंगेज है कई तरीकों के बिजनेस में। सबसे पहले इन्वेस्टिंग, उसके बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी करती है। अब ये आपके मन में सवाल आ सकता है कंपनी किस चीज़ की ट्रेडिंग करती है? जो प्रोडक्ट्स बनाती है जाहिर सी बात है उसकी ही ट्रेडिंग करती है। प्रोडक्ट्स बनाती क्या है? टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स में कंपनी डीलिंग करती है, टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स को बनाती है, और साथ में ट्रेडिंग के साथ साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। हालांकि देखिए महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, इसका भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी पहुँच अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि टेक्सटाइल्स के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी तो जाहिर सी बात है टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री काफ़ी व्यापक तौर पर उभर के सामने आ रहा है, तो धीरे धीरे महाराष्ट्र कॉरपोरेशन का बिजनेस भी भारत के सभी राज्यों में उभर कर सामने आएगा। काम के हिसाब पे हम कह सकते हैं कंपनी के शेयर में लंबे समय में तेजी बनेगी, आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा। अब हम लोग फंडामेंटल समझते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए फंडामेंटल में समझेंगे 30 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, और स्टॉक का पी थोड़ा सा आपको महंगा दे सकता है जो कि पेनी स्टॉक का होता ही है। महंगा वैल्यूएशन वाइज देखेंगे शेयर तो, और शेयर प्राइस 1.68 रुपये के आसपास है। हालांकि हम तो चार्ट पर देख के किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं, तो हमारे लिए स्टॉक का पी का महंगा सस्ता होना कोई खास मायने नहीं रखता। वैल्यू बुक वैल्यू देखेंगे, बुक वैल्यू शेयर प्राइस से कम है जो कि ठीक है। सबसे कमाल की बात है कंपनी का जो आरओई है और आरओसी है ये माइनस में नहीं है, और ये माइनस में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर तकरीबन 3.5% के आसपास पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कम से कम 3% का सालाना रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी निकाल कर दे ही देगी। और इसका जो आरओई है जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है टेक्सटाइल के सेक्टर से, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी जितना बढ़ेगा उतना आपकी इक्विटी पर साल भर में रिटर्न मिलने के चांसेज रहेंगे। तो हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को समझ लिया। अब चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इस स्टॉक को हम ओवरऑल करना क्या है। तो यदि हम लोग समझें तो सबसे पहले 1 साल के चार्ट पर हम लोग इस कंपनी के आगे हैं, और 1 साल के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि अभी इस स्टॉक का प्राइस 1.60 रुपये से लेकर, ठीक से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1.80 रुपये इसके बीच कंसोलिडेट कर रहा है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन से जब बाहर निकला तो स्टॉक का प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन और फिर ये लाइन, यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया, लेकिन फिर ओवरऑल ऊपर ही आया। प्राइस को जाना यहाँ पे नीचे आने की वजह ये थी कि यहाँ पे एम पैटर्न बना था, जब एम पैटर्न बनता है तो प्राइस नीचे आता है। ओवरऑल अभी क्या है कि जब इससे स्टॉक का प्राइस बाहर निकलेगा इस कंसोलिडेशन रेंज से, जैसे ये जो कंसोलिडेशन रेंज में है, तो फिर ऊपर जाएगा। और आपको जैसे 1.80 रुपये से ऊपर प्राइस निकलते हुए दिखे तो आपको जो नए व्यक्ति हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस इजिली आपको 1.80 रुपये से निकलेगा तो 2.5 और 2.5 रुपये से ऊपर जाएगा, कम से कम 3 रुपये तक इजिली आपको जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ तक के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक बाई करते हैं बल्क में बाई करते हैं, 1-2 क्वांटिटीज बाई करते नहीं है, तो यदि 1000 शेयर्स बाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होने के चांसेज रहेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही पता चलता है कंपनी के चार्ट में अभी भी पोटेंशियल बना हुआ है, बस वेट करना है इस ब्रेकआउट का। जैसे ब्रेकआउट होगा आपको ये 3 रुपये तक कंपनी का शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा, और ये यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसलिए इजली मैं कह रहा हूँ 3 रुपये तक जाने के लिए आप इस प्राइस को तैयार रहिए। ओवरऑल यदि हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लें तो क्वार्टरली रिजल्ट में यही पता लगता है कि कंपनी का सेल्स अभी यहाँ पर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से नील हो रहा है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि टेक्सटाइल्स का जो बिजनेस है ठंड के दिनों में ज़्यादा चलता है, तो अभी जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाला क्वार्टर 3 का, उसमें कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा। और सेल्स से नहीं, कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट होता है जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनियों के पास बचता है, वह भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ पे लॉस में है। और देखेंगे तो इस बार की जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें लॉस कम होते हुए भी आपको दिखा था पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो इस बार ये लॉस कम हो जाएगा और कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को डिस्कस कर लें तो इसमें देखेंगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास तकरीबन 16% के आसपास हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास मेजर हिस्सेदारी तकरीबन यहाँ पे देख सकते हैं 80% के आसपास, जो कि आम सी बात है पेनी स्टॉक में पब्लिक के ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बने रही, नहीं है तो जो लेवल मैंने दिया है वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी सोच समझ और एनालिसिस के बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप उससे समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर पूछिएगा, या आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर बात करके, या इंस्टाग्राम पर भी बात करके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।